स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्रेवर में दोस्तों मैं अपने चैनल का दूसरा वीडियो लेह की खूबसूरती पर लेकर आया हूं जिस समय यह वीडियो में बना रहा हूं हम सभी कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं आप सभी से अनुरोध है दोस्तों सावधानी बरते एवं बिना कार के घर से बाहर ना निकले इस तरह दोस्तों जल्द ही हम इस महामारी को हराकर फिर से पहले की तरह अपने ट्रेवल प्लान शुरू कर सकेंगे लद्दाख की खूबसूरती विंटर में अपने पूरे स्वाब पर होती है इसका अनुभव तो आप विंटर में लद्दाख जाकर ही ले सकते हैं चारों ओर बर्फी बर्फ सफेद रोड पर फिसलती आपकी व्हीकल लगता है जैसे एक अलग दुनिया में आ गए हैं बर्फ से ढके पहाड़ यूं नजर आते हैं जैसे आज ही इन्होंने नए सफ़ेद कपड़े पहने इसलिए तो दोस्तों लेह लद्दाख पर्यटकों के लिए पसंदीदा स्थल है कश्मीर के बाद लेह ही पर्यटकों द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है यानी हाई एटीट्यूड कोल्ड डिजर्ट विंटर में इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि खेती हो ही नहीं सकती क्योंकि सॉइल फ्रोजन होता है एवं लो एयर टेम्परेचर रहता है और यहाँ बारिश भी बहुत कम होती है गर्मियों में जब यहाँ की जमीन खेती लायक होती है तब पानी की बहुत ज़्यादा कमी यहाँ पर होती है उस पानी की पूर्ति के लिए तो नेचुरल ग्लेशियर होते हैं वह बहुत काम आते हैं लेकिन दोस्तों क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जिसके लिए शायद हम सब भी जिम्मेदार हैं नेचुरल ग्लेशियर कम होते जा रहे हैं और समर तक आते आते तो पूरे के पूरे पिघल चुके होते हैं उस समय इस क्षेत्र में पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है प्रसिद्ध इंजीनियर श्री सोनम वांगचुक ने किसानों की इस समस्या को दूर करने के लिए एक नया तरीका निकाला विंटर वाटर जो वेस्ट हो जाता था उसे ही फ्रीज करके आर्टिफिशियल स्तूपा बनाकर स्टोर करना शुरू किया कौन सेप में होने की वजह से ये जल्दी नहीं पिघलते एवं गर्मी के सीजन में जब पानी की बहुत जरूरत होती है पिघलकर कुछ हद तक पानी की पूर्ति कर पाते हैं इसे प्रोत्साहित करने के लिए श्री वांगचुक जी ने आइस स्तूपा कंपटीशन की शुरुआत की अधिक से अधिक पानी स्टोर करने वाले आइस स्तूपा को प्रथम पुरस्कार यानी पांच लाख रुपए की धनराशि दी जाती है अरे यह तो हमारे लिए मैगी आइस स्तूपा कैफे हो गया ठंड है दोस्तों माइनस में और गर्मा गर्म मैगी का क्या टेस्ट आ रहा है भाई साहब ऐसा टेस्ट तो बड़ी बड़ी होटलों की फेमस डिश का भी नहीं आता है आप ऊपर देखिए आइस स्तूपा की हाइट देखिए और सोचिए कि कितना पानी फ्रिज करके इसे बनाया गया है चलिए दोस्तों आइस स्तूपा में अंदर बैठकर मैगी का मजा लेते हैं यहां पर दोस्तों आपको गर्मा गर्म चाय भी मिल जाएगी आप उसका भी मजा ले सकते हैं क्योंकि आइस स्तूपा लेक का एक नया आकर्षण है इसलिए विंटर में ले आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ते ही जा रही है आप भी विंटर में यदि ले आए तो आइस स्तूपा देखना ना भूले दोस्तों